जय मसीह। एक छोटा सा गांव था और वहां पर कई लोग रहते थे और वहां पास में एक बड़ा शहर भी था। अभी गांव में गधा था। अभी गधे को तो क्या काम होता है, बोझ उठा कर ले कर जा, बोझ उठा कर वापस आओ। गधे ने सोचा यहां से भाग जाता हूँ, शहर में चला जाता हूँ, वहां मुझे शांति मिलेगी। उसे सभी लोगों से बात की, सभी लोग बोलते ऐसे कैसे जाएगा तू, शहर का रास्ता देखा है? बड़ा रास्ता तो नहीं देखा लेकिन चला जाऊंगा। अब एक बार क्या हुआ, गधे ने हिम्मत कर ही ली और गधा किसी भी तरह से वहां से निकल गया। और सच में वो तो बीच में जंगल पड़ता था, उसको भी क्रॉस करके शहर में चला गया वो तो। कुछ दिन बीते, बैल ने सोचा गधा गया वापस नहीं आया, मतलब शहर तो मिल गया। बोले मैं भी चला जाता हूँ, लेकिन बोले मैं जाऊँगा कैसे? बोले कोई बात नहीं, गधा गया ना, उसके पैरों के निशान होंगे, उसी निशान के ऊपर मैं भी चला जाता हूँ। और बैल उस गधे के पैरों के निशान के ऊपर उस पर चल पड़ा, वो भी शहर में चला गया। अभी कुत्ते ने देखा, कुत्ता बोलता मैं भी शहर में जाता हूँ, वो भी चला गया। भैंस ने देखा, बोले मैं चले जाती हूँ, वो भी चली गई। बकरे ने देखा मैं चला जाता हूँ, वो भी चला गया। गांव वालों ने देखा ये क्या पशु गायब हो रहे, बोले वो शहर में जा सकते तो हम कैसे शहर में नहीं जाएंगे। इंसान ने सोचा बोले चलो सभी के पैर के निशान तो है ही, अब इंसान भी उस पार जाने लगा। अभी वहाँ उसको अच्छा काम मिलने लगा, किसी को जॉब मिलने लगी, अभी इंसान तो वहाँ जाने लगे, आने लगे, कारोबार करने लगे, जॉब करने लगे। अभी सरकार की निगाह में आ गया, ये गांव और ये शहर एक दूसरे के साथ मिल जुलते हैं। तो बोले चलो वहाँ रास्ता ही बना देते हैं। और फिर गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को भेजा, बोले जाओ जाकर रास्ता बना लो। अब गवर्नमेंट के लोग आए, अपने मशीन से सब देख रहे थे कहाँ से रास्ता शुरू करना है, कहाँ तक पहुँचाना है, किस तरह से करना है, कितना लंबा कितना चौड़ा। गाँव वालों ने देखा ये सब लोग क्या कर रहे हैं। सरपंच वहाँ पर पहुँच गए, बोले भाई साहब क्या कर रहे हो? बोले जो आपका रिश्ता बन चुका है उस शहर से, आप बार बार जाते जाते हो, तो बोले क्यों ना बड़ा रास्ता बना दिया जाए ताकि विकल्प भी आ सके। तो बोले उसमें देख क्या रहे? बोले हम देख रहे किस तरह से रास्ता बनाना है और कहाँ से शुरू करना। बोले उसमें देखना क्या, ये रास्ते से हम लोग जाते, बना दो। और बोले ये रास्ता आप इस्तेमाल करते हो, ये रास्ता किसने ढूंढा? बोले रास्ता गधे ने ढूंढा। बोले गधे ने ढूंढा, रोज आते जाते हो? बोले तो बहुत लंबा रास्ता है, ये तो पागल लोग इसके ऊपर से आ गए, ये रास्ता तो आधा ही है, यहां से निकलना है। कहीं आत्मिक जीवन में ऐसा तो नहीं चल रहा है कि लोग आपको चलाते हो और आप उनकी शिक्षा पर चलते ही रहते हो, ना सच देखते हो ना झूठ देखते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कुछ गलत कर रहे हो बाइबल से? खुद बाइबल पढ़ो, खुद परमेश्वर से बोलो, परमेश्वर मुझे सिखाओ और पवित्र आत्मा आपको सिखाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि गधे के रास्ते पर आप चलने वाले बनो और आखिर में नाश वाले रास्ते पर चले जाओ। यूट्यूब पर जाओ और मेरे चैनल स्टैनली मैकवान उसको सब्सक्राइब कर इसी तरह से परमेश्वर के वचन फैलाने में मेरी सहायता करो। आमीन।